बॉलर नेम मौर्य आइलैंड की तरफ से बॉलिंग डालने आए हैं प्रतीक, और विष्णुनगर बनी इलेवन की तरफ से ओपनर है प्रमोद और अविनाश। बढ़िया शॉट, एक रन मिलेगा आसानी से वहां पर प्रमोद को। अविनाश स्ट्राइक पे आए हैं अभी। अगले गेंद लेके रेडी, और ये इनसाइड एज और एक रन डी मिलेगा अविनाश को। मौर्य इलेवन की तरफ से बल गेंदबाजी करते हुए प्रतीक। बढ़िया गेंद प्रतीक की, बढ़िया गेंद। अच्छा, लेग एम्पायर शिवा, ये ओवर के बाद में इधर आइए या ये गेंद के बाद में स्टेज के पास। बढ़िया गेंद प्रतीक की। बराबर देख रहा रहेगा। अच्छी गेंदबाजी प्रतीक की। बढ़िया शॉट अविनाश का, दो रन मिलेगा वहां पर। एक ओवर के बाद विष्णुनगर बनी इलेवन का स्कोर हो गया है 4 रन बिना किसी नुकसान के। बॉलर नेम विवेक आए हैं मौर्य इलेवन के तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। प्रमोद स्ट्राइक पे है बनी इलेवन के। बढ़िया गेंदबाजी, कोई रन नहीं मिलेगा ये पहले गेंद पे। सीधा कीपर के हाथ में गेंद, विवेक की गेंदबाजी, और ये पुल कर दिया है मिड विकेट पे। एक रन आसानी से मिलेगा, 5 रन बिना किसी नुकसान के। विष्णुनगर बनी इलेवन का स्कोर। अविनाश स्ट्राइक पे आया है। बढ़िया शॉट अविनाश का, एक रन मिलेगा आसानी से। एक रन आसानी से मिला है अविनाश को मेडिकेट के क्षेत्र में खेलते हुए। प्रमोद स्ट्राइक पे आए हैं फिर से। विवेक अपने गेंदबाजी के ऊपर रन अप पे रेडी, और ये उठा दिया है टॉप एज और आसानी से विवेक ने कॉट एंड बॉल ले लिया है। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन अपने ही गेंदबाज पे, और विष्णुनगर बने इलेवन ने अपना पहला विकेट खो दिया है प्रमोद के रूप में। विष्णुनगर बनी इलेवन के अगले गेंदबाज है, अगले बल्लेबाज है सोनू। देखना है क्या करते हैं सोनू अपनी टीम के लिए। बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग पे खेल लिया है, एक रन मिलेगा आसानी से वहां पर। विष्णुनगर बनी इलेवन का स्कोर 6 रन एक विकेट के नुकसान पे। 7 रन हो गया है स्कोर, 7 रन एक विकेट के नुकसान पे।
बढ़िया शॉट ये अविनाश का, और ये बढ़िया कैच मिडविकेट पे बाउंड्री लाइन पे, फील्डर द्वारा बहुत ही अच्छा जज किया है उन्होंने। और ये अविनाश भी अपना विकेट गवाते हुए, स्कोर हुआ है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। विष्णु नगर बनी 11 का स्कोर 7 रन। नए बल्लेबाज आए हैं सुशील, बॉलर नेम बबन, बबन बबन और ये अंपायर का इशारा वाइड। और ये अगली गेंद लेके बॉलर रेडी, और ये बोल्ड सोनू बोल्ड होते हुए बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ। नए बल्लेबाज आ रहे हैं विष्णु नगर बन्नी 11 के प्रिंस, देखना है प्रिंस अभी क्या करते हैं अपने टीम के लिए। अच्छा शॉट प्रिंस का, मिड ऑन पे खेल लिया है, और ये 2 रन के लिए, और बेहतरीन रनिंग प्रिंस और सुशील की, 2 रन बहुत आसानी से ले लिया है। और ये 10 रन हो चुके हैं विष्णु नगर बल्ली 11 के 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया शॉट प्रिंस का, और 2D का इशारा अंपायर का, 2D। अंपायर का इशारा 2D। स्कोर बढ़ते हुए 12 रन। बनी 11 का स्कोर बढ़ते हुए 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर चालू है, और ये प्रिंस का फिर एक बढ़िया शॉट, 1D मिलेगा वहां पर। 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 2 गेंद बची है विष्णु नगर बन्नी 11 की बल्लेबाजी के लिए, देखना है 2 गेंद में और क्या करते हैं विष्णु नगर बन्नी 11 के बैट्समैन प्रिंस और सुशील। बढ़िया गेंद बबन की, कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर। अभी भी स्कोर उनका 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इनिंग का आखिरी गेंद है, कितने रन बढ़ोर सकते हैं देखते हैं आखिरी गेंद पे प्रिंस अपनी टीम के लिए। बढ़िया शॉट कवर्स पे उठा के मार दिया है प्रिंस ने, और फील्डिंग भी वहां बहुत बढ़िया करते हुए, बैट्समैन को 2 रन मिलेगा, और ये रन आउट होते हुए। तो विष्णु नगर बन्नी 11 ने 15 रन किए हैं अपने निर्धारित 3 ओवर के अंदर, और मौर्या 11 को ये मैच जीतने के लिए 16 रन का टारगेट है, 18 गेंदों में 16 रन। विष्णु नगर बनी 11 जल्द से जल्द अपने फील्डर्स अपने ग्राउंड पे लाके फील्ड प्लेसिंग कर लीजिए जल्द से जल्द। माजिद भाई स्टेज के नजदीक आइए। रिक्वेस्ट
देखे, लेकिन एक बोलने का मतलब है देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। न्यू बॉल, न्यू बॉल, साउथ अफ्रीका से मंगाया गया अंपायर है ये। एक वेस्ट इंडीज से शिवा अंपायर आए हैं और ये साउथ अफ्रीका से माजिद भाई, दोनों भी बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है। मौर्य इलेवन ओपनर्स के नाम शिवराम और किशोर, किशोर और शिवराम, बबल नहीं है। मौर्य इलेवन को जीत के लिए 18 गेंदों में 16 रन की ज़रूरत है। ओपनर्स आए हैं उनके शिवराम और किशोर, और गेंदबाजी करेंगे बनी इलेवन के तरफ से विष्णुनगर बनी इलेवन का एक प्लेयर, प्लेयर नेम के लिए स्टेज पे आ जाइए। विष्णुनगर बनी इलेवन बॉलर नेम सुशील, सुशील गेंदबाजी करने के लिए आए हैं विष्णुनगर बनी इलेवन की तरफ से। और सुशील तैयार बॉल डालने के लिए। बढ़िया गेंद सुशील की, किशोर कुछ नहीं कर पाए, सीधा गेंद कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। 17 गेंदों पे 16 रन की जरूरत है मौर्य इलेवन को ये मैच जीतने के लिए। बढ़िया शॉट किशोर का, और ये अंपायर का इशारा टूडी का, दो रन मिलेंगे मौर्य इलेवन को। सेकेंड है, सेकेंड राउंड, बढ़िया गेंद सुशील की, फिर से कोई रन नहीं मिलेगा, सीधा कीपर के हाथ में गेंद। बढ़िया शॉट किशोर का, स्क्वायर लेग की तरफ खेल लिया है, एक रन भाग के ले लिया है आसानी से। मौर्य इलेवन का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। अगला गेंद लेके सुशील तैयार, और शिवराम ने बढ़िया तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, सीधा कीपर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा उधर बल्लेबाज को। 3 रन, कोई विकेट के नुकसान नहीं, मौर्य इलेवन का स्कोर। बढ़िया शॉट, और ये टॉपेज कर दिया है, और बढ़िया कैच कीपर का, यहाँ पे प्रमोद ने बहुत ही बढ़िया तरीके से भाग के कैच लिया है, और शिवराम का विकेट गिरते हुए। नए बैट्समैन आए हैं महेश
मौर्य 11 की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। हेलो मोरे 11 मोरे 11 ला 17 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी 16 एक ओवर 3 धावा झालेले आहेत। दुसरा चेंडू लेगच्या दिशेने ठेवलेला, एकच धावा संतुष्टी करावी लागेल वाटतं दुसरी घेण्याचा प्रयत्न, पण सुंदर असे क्षेत्ररक्षण। 16 धावाची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी मोरिया 11 ला। सुंदर चेंडू ऑट पॉइंटच्या दिशेला तुलावला, एकच धावा संतुष्टी। चेयर बॉईज लोग बॉईज नाही, एक नाही करे राकेश चेयर नाही कर रहा यार, आवाज बंद हो गया तेरा आवाज। फुलटो चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, बॅटाने बॉलचा संपर्कही नाही, पण 22 च्या रूपात एक धाव मिळाली आहे। गुगली चेंडू टाकलेला गोलंदाजाने, 22 च्या रूपात एक धाव, धाव संख्या झाली ती 5। 16 धावाचं आव्हान आहे महेश स्ट्राइकवर मोरिया 11 चा वन डाऊन बॅट्समॅन। उत्कृष्ट गोलंदाजी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गोलंदाजी करत आहेत फरदीन। खूपच उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आहेत आपल्या संघासाठी। परत बॅट गच्चा क्षेत्ररक्षण, सरळ क्षेत्ररक्षण, हातात गेलेला चेंडू जेल सोडलेला आहे। एक बडी बात करता आला असता पण तो करू शकले नाही क्षेत्ररक्षण। धावसंख्या झाली आहे ती 5। दाद मागत आहेत 5, निर्णय फेटाळलेला आहे। निर्धाव चेंडू, उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि ओव्हर चेंज, 2 षटक संपलेले आहे, धावसंख्या झाली आहे ती 7 धावा, 9 धावाची गरज आहे, 6 चेंडू मध्ये 9 धावा मोरिया 11 ला। उत्कृष्ट गोलंदाजी विष्णुनगर बन्नी 11 यांची। विष्णुनगर रेस्ट ऑफ चेंबूर, विष्णुनगर स्पोर्ट्स। विष्णुनगर 11 रेस्ट ऑफ चेंबूर, विष्णुनगर स्पोर्ट्स या तिन्ही टीमच्या कर्णधाराने स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे। सुंदर फटका, सुंदर फटका मारण्याचा प्रयत्न। किशोर आपल्या संघासाठी प्रथम गोल बॅटिंगला आला होता, पण आतापर्यंत काही साजेशी खेळी काही करू शकला नाही आपल्या संघासाठी। षटकाराची गरज आहे पण बॉट बॅट आणि बॉलचा संपर्कही नाही किशोर। विष्णुनगर पन्नी 11
खूप उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आहे, 16 धावा त्यांनी डिफेंड केले आहेत। परत फुलटो चेंडू पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न, एकच धाव, एकेरी दुहेरी धावांनी काही होणार नाहीये, चौकार किंवा षटकाराची आवश्यकता आहे हा जर सामना मोरिया इलेव्हनला जिंकायचा असेल तर। त्यानंतर चार टीम आलेल्या आहेत, त्या विष्णुनगर इलेव्हन, रेस्ट ऑफ चेंबूर, विष्णुनगर स्पोर्ट्स, तिन्ही टीमच्या कर्णधाराला 5 मिनिटात स्टेजवर यायचं आहे। रेस्ट ऑफ चेंबूर, विष्णुनगर इलेव्हन, विष्णुनगर स्पोर्ट्स, या तिन्ही टीमच्या कर्णधाराने माईकशी संपर्क साधायचा आहे। लॉट उडणार आहे, यानंतर फक्त 2 मॅच होणार आहेत। सुंदर फटका, पण जिकडे मारायचा तिकडे काही गेला नाही, भलत्याच ठिकाणी जाऊन 2 धावात संतुष्टी मानावी लागेल। 2 धावा, धावसंख्या झाली आहे ती 11 धावा, 5 धावाची गरज आहे, 2 चेंडूमध्ये 5 धावा, सॉरी शेवट लास्ट बॉल आहे, लास्ट बॉल। विष्णुनगर इलेव्हन, विष्णुनगर स्पोर्ट्स, रेस्ट ऑफ चेंबूर, या तिन्ही टीमच्या कर्णधाराने माईकशी संपर्क साधायचा आहे। जर टीम आली नसेल तर टीम बात करण्यात येईल, आपल्या पुढच्या 5 मिनिटात तुम्हाला संपर्क साधायचा आहे स्टेजची। व्हाईट चेंडू 55 राष्ट्रवादी चषक 2024 ही जी भव्य दिव्य ओरम आर्मची स्पर्धा जी ठेवली आहे, सना मलिक मॅडम यांनी आयोजित केलेली आहे, तरी सर्व क्रिकेट प्रेमियांनी यांचा स्वाद घेतल्याबद्दल मंडळ आभारी आहे। बॉल बॉल अविनाश, बॉल 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 परत देत आहे, विष्णुनगर इलेव्हन, विष्णुनगर बन्नी इलेव्हन, विष्णुनगर स्पोर्ट्स, तिन्ही विष्णुनगरच्या टीम आलेल्या आहेत सेमी फायनल राऊंडला। सेमी फायनलमध्ये 3 विष्णुनगर, 1 चेंबूर, रेस्ट ऑफ चेंबूर, लॉट उडवायचा आहे, लवकरात लवकर यायचं आहे तिन्ही टीमच्या कर्णधार, 1 2 3, आणि यानंतर जी बाय दिली होती बाय किसकू, विष्णुनगर इलेव्हन स्पोर्ट्स, चारो कॅप्टन आहे, 1 2 3, चार कुठे आहे, सबका बोलेगा अभी।